Let's do this. Okay, I have been so excited to do this video because I think last year इसी time पे मैंने ये video किया था. I don't remember the date, but हाँ last year इसी time पे मैंने किया था ये video. And I am getting so many requests कि निधि अपना vanity tour कराओ, अपना makeup collection दिखाओ. So here we go. आज हम यही करने वाले हैं. And guys, before that, few disclaimers. मेरे पास सामान आता रहता है और मैं काफ़ी सारा सामान देती भी रहती हूँ, बट स्टिल अक्यूमलेट होता रहता है बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ माई जॉब. सो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, डोंट कॉमेंट कि आप मेकअप खरीदते रहते हो, बर्बाद करते रहते हो. ऐसा नहीं है, आई कीप ऑन गिविंग अवे ऑल्सो. सो आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाई होंगी वो मेरे पास नहीं है. दैट्स बिकॉज आई कीप ऑन गिविंग वॉट एवर आई लव. जो भी मुझे अच्छा लगता है ना मैं दूसरों को दे देती हूँ. ये यूज़ करके देखो ये अच्छा है, ये यूज़ करके देखो ये अच्छा है. जस्ट एज आई डू विद यू गाइज, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. सो कीपिंग दैट असाइड, होपिंग कि मुझे इस टाइप का कोई भी कॉमेंट नहीं आएगा बिकॉज आई नो माई कैट फैम इज रियली अमेजिंग. आप लोग बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत 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 कम हेट कॉमेंट्स आते हैं विच आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड लकी एंड आई फील ब्लेस्ड ऑल्सो फॉर दैट. सो कुडोज टू यू कैट फैम एंड आई एम रियली एक्साइटेड दैट दिस इज हैपनिंग, या फाइनली दिस इज हैपनिंग. बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं है बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा झंडू अपने सामान को सही से रखने में. मेरे को सच में आई नीड सम ट्रेनिंग टू कीप माई स्टफ प्रॉपरली. कहते हैं ना जैसे कुछ लोगों के अंदर होता है ना चीज़ों को सुंदर से रखना, अच्छे से सजा के रखना, दैट इज समथिंग दैट आई डोंट हैव. सो या आई स्ट्रगल विद दैट. सो मैं बहुत ज़्यादा बकवास ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आगे आप लोगों का समय ना बर्बाद करते हुए तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. बट आगे बढ़ने से पहले पता है क्या करना है, आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग आके मेरे वीडियोज देख के जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते. तो आज प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस रूम. ये रूम मैं कह सकती हूँ कि मैं तीन सेक्शंस में बेसिकली या चार सेक्शंस में डिवाइड कर सकती हूँ. सो आई बी शोइंग यू थ्री पार्ट्स ऑफ द रूम. जो मेरे ऑपोजिट वाली वॉल है वो अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो अभी थोड़ा कचरा सा पड़ा हुआ है वहाँ पे. सो आई एम गोइंग टू स्किप दैट. ऑल्सो मैं अभी मेकअप नहीं पहनी हुई हूँ बिकॉज आई जस्ट डिडंट फील लाइक वेयरिंग मेकअप. सो डोंट कॉमेंट कि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत डार्क है बिकॉज दे आर डार्क. सो या स्टार्टिंग ऑफ विद द थिंग्स दैट आई हैव बिहाइंड मी. ये मैंने रिसेंटली परचेज किया था अमेजोन से जस्ट टू डिस्प्ले फ्यू आइटम्स टू मेक देम लुक ब्यूटिफुल, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम वेरी you know, I suck at making things look beautiful. And then there's this mirror that you see that I got from Miniso. बहुत ही बढ़िया मिरर है, बहुत ही बढ़िया मिरर है. आप लोगों ने मुझे अक्सर देखा होगा मेरे वीडियोज में ऐसे ट्यूटोरियल करते हुए. And behind that mirror is this cute little pink bag which I got from Jyoti Jia store. Actually Jyoti ne mujhe bheja tha and it is such a beautiful bag. Check out Jyoti's store, Instagram store. It's called Jyoti Jia store. She has some really cute, quirky and really affordable stuff there. So yeah, I got that bag from here. उसके बाद एक छोटू सा ये प्लांटर है. ये जो प्लांट है ये मेरा ब्रदर लेकर आया था. इस बैग के पीछे ही कुछ मेकअप रिमूविंग वाइप्स, नहीं वाइप्स नहीं है, टिश्यूज या क्या कहते हैं कॉटन पैड्स, यस कॉटन पैड्स रखे हैं. एंड उसके नीचे की छोटू सी ड्रॉर है जो आपने मेरे वीडियोज में पहले भी देखी होगी, जिसमें मैं अपने लिप बाम्स या फिर हेयर पिन्स ये सारी चीजें स्टोर करके रखती हूँ. सो दैट्स दैट. इस मिरर के नीचे मैंने ये रखा हुआ, ये ओफ्रा का हॉलीडे किट है जिसमें दो लिपस्टिक और एक हाईलाइटर मिलता है. एक्चुअली आई जस्ट
वी जस्ट गॉट दीज ऑन कप्स एंड लैशेस, सो मैं लेकर आई थी ट्राई आउट करने के लिए. सो दैट्स दैट. अभी मूविंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन राइट हियर. सो यहाँ पर मेरे पास पिक्सी का सारा जितना भी मुझे PR मिला है अभी तक वो सारा कुछ रखा हुआ है, बिकॉज आई कीप ऑन ट्राइंग दीज थिंग्स वंस इन अ वाइल. मैंने विटामिन सी वाला ट्राई किया था एंड आई एब्सोल्यूटली लव्ड इट, बट द प्रॉब्लम वॉज कि एक हफ्ते के बाद ना वो कुछ ज्यादा ही विटामिन सी हो गया और मेरी स्किन क्रैक होने लगी, लाइक लिटरली क्रैक होने लगी, इट स्टार्टेड पीलिंग ऑफ. सो आई स्टॉप यूजिंग इट. अभी ऐसे डिस्प्ले में रखा हुआ है टू मेक इट लुक ब्यूटिफुल. उसके ऊपर जो ये छोटे से डिफ्यूजर है बुद्धा जी वाले, यहाँ पर आप एसेंशियल ऑयल डाल दो एंड इसके पीछे यहाँ पर आप छोटी सी टी लाइट रख दो एंड इट इज गुड टू गो. सो दैट्स देयर. एंड एक छोटी सी ये डॉगी वाली कैंडल भी है विच आई डोंट नो वेयर आई गॉट फ्रॉम. देन उसके ऊपर आई थिंक आई शुड गो अप. उसके ऊपर में अगर आप देखोगे देयर इज दिस स्मॉल लिटिल वैनिटी बॉक्स, ये वाला ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था. सो जस्ट केप्ट इट देयर. उसके ऊपर रखी है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी विच वी गॉट फ्रॉम लाइक रैंडम मार्केट. उसके ऊपर वो यूट्यूब वाला टम्बलर और एक ये हुक्का रखा हुआ है. हुक्का आई डोंट नो वेयर आई गॉट फ्रॉम. आई डोंट ड्रिंक हुक्का बट इट्स देयर जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पज. थोड़ा सा स्केरी है वो. एंड जो यूट्यूब वाला टम्बलर है वो मुझे अगेन ज्योति ने भेजा था. So that was about this section and अभी move on करते हैं on to this section right here. So यहाँ पर एक छोटी सी गुल्लक रखी हुई है which again is from a random market. Then I have this cute little hairband जो आपने मुझे अक्सर पहने देखा होगा मेरे videos में. And उसके बाद मेरे brushes हैं. These containers I got from Amazon. So ये कुछ इस तरीके के containers हैं एंड इसमें सेक्शंस हैं तो ब्रशेस रखना काफी आसान रहता है. दिस वन आई ऑलरेडी हैड, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट, सो इट इज अ मैचिंग, मैंने वो अमेजोन से मंगवा लिया था. एंड इसमें मेरे सारे आई ब्रशेस होते हैं जस्ट लाइक दिस एंड उसमें मेरे सारे फेस ब्रशेस होते हैं. एंड द लास्ट थिंग दैट यू सी इज दिस ब्यूटिफुल पीस ऑफ सिरेमिक. आई डोंट नो सिरेमिक है या फिर ये पर्ल शेल है, बट इसमें मैं अपने सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स रखती हूँ. ओके, सो दैट वॉज द टॉप ऑफ माई वैनिटी या चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स जिसमें मैं ज्यादातर मेकअप स्टोर करके रखती हूँ. बिहाइंड मी इज अ बेड, ये दीवान है. सो सबसे पहले जो आप ये ब्लैक बैग देख रहे हैं ये मैंने सेलेक्ट कॉस्ट से मंगाया था. दिस हैज ऑल द स्टफ जो मुझे अभी रिव्यू करना है, लाइक मैं ड्रॉर्स में नहीं डालती हूँ अदरवाइज मैं भूल जाऊंगी, तो इसीलिए सारा सामान जो मुझे रिव्यू करना है या वीडियो बनाना है जिसके बारे में, वो मैं निकाल के इस बैग में डाल देती हूँ एंड जब मेरा काम खत्म हो जाता है तब मैं वापस से ड्रॉर्स में फिट इन कर देती हूँ उसको. देन दिस दीवान इज द प्लेस वेयर आई फिल्म माई वीडियो. आज तो काफी क्लीन है अदरवाइज इस पर हमेशा मेकअप पड़ा रहता है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर रोज फिल्म करती हूँ एंड देन आई डोंट गेट टाइम टू यू नो गेट रेड ऑफ ऑल द स्टफ. सो इसीलिए एंड एज यू कैन सी वो स्पॉट जहाँ पे मेरे वो पर्दे हैं जो कि आप मेरे हर वीडियो में देखते हो, तो मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ इस तरीके से एंड सामने मेरी लाइट से यहाँ पे मेरा कैमरा रख जाता है एंड आई फिल्म दैट वेज. तो अभी तो ये लाइट थोड़ी सी ऐसी सी दिख रही है बट थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो लाइक वीडियो में जब क्लोजअप में होता है तो बढ़िया लाइट आती है. सो आई कंट्रोल इट विद द रिमोट. ये मेरे पास रिमोट है एंड आई कैन चेंज द कलर ऑफ दिस लाइट. ये कौन सा आई थिंक 400 रुपीज का खरीदा था एंड द गुड थिंग इज कि मेरे पर्दे वाइट है और पर मैं हर बार उसका कलर चेंज कर सकती हूँ. सो दैट्स अ रियली गुड थिंग अबाउट इट. एंड पीछे मेरे स्पाइडरमैन बैठा हुआ है जो कि डुगू का टॉय है. सो आई जस्ट केप्ट इट देयर. सो दैट्स माई फिल्मिंग स्पेस. एंड उसके बाद अगर हम उस तरफ और मूव करेंगे तो ये डुगू की कबर्ड्स आपको दिखेंगी एंड देन यू सी अ स्मॉल लिटिल ड्रॉअर ऑल्सो देयर जिसपे मेरा यूट्यूब का प्ले बटन रखा हुआ है. ओके, सो आई नो मैं अपना फ्लॉन्ट नहीं करती हूँ. इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि लोग वीडियो बनाते हैं और तुमने इसको छुपा के रखा हुआ है. सो आई नो आई हैव दिस हैबिट कि मैं ना चीज़ें बहुत फ्लॉन्ट नहीं कर पाती हूँ. आई डोंट शो ऑफ. ओके, सो दैट वॉज माई यूट्यूब प्ले बटन. एंड इसके ऊपर जो एक छोटी सी ये बास्केट रखी हुई है इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट वाइट वन जो आपने वहाँ देखी थी. सो दिस हैज ऑल द असेंशियल स्टफ जो मैं एवरीडे बेसिस पे यूज करती हूँ, जैसे कि मेरा मॉइस्चराइजर आई एम करंटली यूजिंग दिस वन तो इसलिए रखा हुआ है, मेरा हेयर सीरम जो कि खत्म होने वाला है, कुछ पेन्स हैं, वेट एंड वेल का मेगालेंथ मस्कारा विच इज माई फेवरेट अगेन, लोटस हर्बल्स की क्रीम, कुछ बिंदीज, हैंड सैनिटाइजर्स, ऑल दो स्टफ गोज इन देयर, और एक छोटू सा प्लांटर जो उसका कॉपी है जो मेरे वैनिटी पे रखा हुआ था. सो ऑल ऑफ दीज गो इन हियर. एंड ये जो ड्रॉर है ये काफी हैंडी है बिकॉज मैंने इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करके रखा हुआ है. सो इसमें एक सेक्शन में सारे प्राइमर्स हैं, देन कंसीलर्स हैं, लाइनर्स हैं, मस्कारा हैं,
तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है. तो आई थिंक आई स्टार्ट ऑफ विद दिस एंड देन हम बड़े वाले पे मूव करेंगे. ऑल्सो मेरे जस्ट ऑपोजिट वाली वॉल पे जो है मंदिर रखा हुआ है एक कोने में, एंड देर आर टू बिग पैनल लाइट्स जो कि LED पैनल्स होते हैं, 2x2 की पैनल लाइट्स है. मैंने कोई रिंग लाइट या फिर यू नो सॉफ्ट बॉक्सेस नहीं लिए बिकॉज दे वर प्रीटी चीप, शायद 3,500 की थी दोनों की दोनों. तो मैंने उन्हें दीवार में टांग दिया है. आई जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स. थोड़ा सा मैसी मैसी सा हो रहा है पीछे, बट या दिस इज हाउ माई पैनल लाइट्स आर. तो ये 2x2 की पैनल लाइट्स हैं. आप आई थिंक अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं इसको. 3,500 या 4,000 की थी एंड बस ऐसे दीवार में मैंने लटका दिया. वायर को जो है डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया प्लग से एंड दे आर वॉर्म वाइट. तो अच्छा खासा लाइट मुझे यहाँ से मिल जाता है. एंड राइट नाउ यू कैन सी मी. ओके सो मूव ऑन करते हैं. सबसे पहले इससे एंड मेरा कैमरा मेरे हाथ में तो हो सकता है थोड़ा शेक करे. तो सबसे पहली ड्रॉ जो है इसमें मैं अपने सारे प्राइमर्स और मस्काराज रखती हूँ. तो प्राइमर्स जो हैं वो रहते हैं बाहर में लाइक ऐसे ऐसे करके, एंड जो मस्कारा है वो सारे इस बास्केट में रहते हैं. सो ये मेरा मैट लुक का मस्कारा, मेरा डुअलिंग का फ्लोरिना मस्कारा, लैक्यू का मस्कारा, लैक्मे का मस्कारा, आइकॉनिक ब्लू भी है एंड आई थिंक आई हैव अ ब्लैक वन ऑल्सो. सो ये दोनों एंड वेट एंड वाइल्ड का तो ऊपर रखा ही हुआ है. सो दोज आर ऑल द मस्काराज एंड प्राइमर्स जो है मेरे पास ज़्यादा नहीं है बिकॉज आई कीप ऑन गिविंग अवे द प्राइमर्स. सो मेरे पास है मैट लुक का फेस प्राइमर विच मैं इसलिए लेकर आई थी, मेरे को सोच रही थी कि मैट लुक का वन ब्रांड करूँगी. देन आई हैव माई ब्लू हैबिट प्राइमर, निविया आफ्टर शेव बाम थ्रो करना है मुझे, ओलिविया का प्राइमर, SFR का प्राइमर, किस ब्यूटी का प्राइमर. सो ऑल दोज प्राइमर्स आर देयर. आई डोंट हैव एनी ब्रांडेड प्राइमर्स लाइक मेकअप रेवोल्यूशन या लैक्मे, उस टाइप से मेरे पास कुछ नहीं है. मूविंग ऑन टू द सेकेंड ड्रॉर इज वन ऑफ माई फेवरेट ड्रॉर्स बिकॉज आई लव कंसीलर्स एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. कचरा भरा पड़ा है. सो सबसे पहले ये मेरा स्विस ब्यूटी कंसीलर है बट मैं रॉन्ग शेड ले आई थी अपने लिए, N01 विच इज ए डार्क कलर. तो अगर आप मीडियम टू डीप स्किन टोन के हो यू कैन ट्राई दिस वन आउट. एंड देन आई हैव मार्स का वो पूरा कंसीलर वाला, वो फ्लैप वाला नहीं आता वो है ये. एंड वट एल्स आई हैव दिस किस ब्यूटी का कॉन्टोर किट एंड देन आई हैव ओलिविया का पैनकेक, ब्लू हेवन का पैनकेक, मिस क्लेयर का मेकअप बेस. सो दिस इज माई स्किन कलर. आई थिंक दिस इज शेड नंबर 4. येस दिस इज शेड नंबर 4 एंड ये ऑरेंज करेक्टर है उसी का. देन आई हैव हाफ एंड हाफ का कंसीलर, मेबलिन का कंसीलर, फिट मी है, मेकअप रेवोल्यूशन है. सो ये सारी चीज़ें. दिस वन इज समथिंग लाइक टेस्टर, वी आर ट्राइंग आउट समथिंग अपने ब्रांड के लिए, वो है. देन यूरोप गर्ल का मेकअप स्टिक है, इनसाइड का कंसीलर, NYBK कंसीलर्स, दीज आर एंड नो विच ब्रांड. देन इस साइड में जो है मेरे पास मेकअप स्टिक्स हैं. सो आई हैव ओलिविया मेकअप स्टिक्स, आई हैव स्टेक वर्की की मेकअप स्टिक्स, देन आई हैव NYBK की मेकअप स्टिक्स, वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर, मेबलिन फिट मी मेकअप स्टिक, निक्स का कंसीलर. एब्सोल्यूटली लव्ड दिस. मेरा जो शेड था वो था शायद आई थिंक बॉम बॉम बेज था, CW 3.5 था, न्यूड बेज था एंड इट जस्ट लुक्ड परफेक्ट ऑन मी. एंड पीछे में जो है कुछ डैजलर के हैं एंड दिस इज प्रीटी मच इट. ये जो सेक्शंस हैं ये मुझे मैंने अमेजोन से खरीदे थे, सो आई गॉट इट आई थिंक 4-5 एक साथ. एंड देन ये ओलिविया का पैनकेक कुछ इस फॉर्म में भी है मेरे पास, जस्ट ब्रॉट टू टेस्ट देम आउट. सो दैट वॉज सेकेंड ड्रॉअर नंबर 2. मूविंग ऑन टू ड्रॉअर नंबर 3 विच इज ऑल्सो माई फेवरेट बिकॉज इसमें सारे ब्राउ प्रोडक्ट्स हैं. आई नो ऑफ लेटली मुझे ब्राउज बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं. आई हैव माई हिलरी रोडा का ब्राउ पाउडर, सिवाना का विच आई एब्सोल्युटली लव, देन आई हैव यूरोप गर्ल का वन ऑफ माई फेवरेट अगैन, एंड देन कुछ मालियो का और वेट एंड वाइल्ड एंड और सारे आईब्रो प्रोडक्ट्स बेसिकली इसमें. देन आई हैव ऑल माई जेल लाइनर्स लाइंड अप हियर. सो मार्स का है, इन कलर का है, म्यूजिक फ्लावर का, आई एम करेंटली यूजिंग म्यूजिक फ्लावर. ऑल माई लाइनर्स आर राइट हियर. सो प्लम काजल्स, इंटेंस जेल काजल फ्रॉम स्विस ब्यूटी, सारे कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे आपको. इन कलर के काजल, जैकलिन का मास्टर स्ट्रोक, मी ऑन का, ये यहाँ जाना चाहिए, एंड देन स्विस ब्यूटी का लाइनर मेटालिक वाला. सो ऑल द लाइनर्स आर राइट हियर. देन दिस सेक्शन आई हैव ऑल माई ग्लिटर आई शेडोज. सो आई हैव वेट एंड वाइल्ड का कैट सूट लिक्विड आई शेडो. ओ ये गिर जाएगी. ओके सो आई हैव वेट एंड वाइल्ड का कैट सूट लिक्विड आई शेडो एंड देन आई हैव निक्का के है ये शायद. दिस इज निक्का के. येस दिस इज निक्का के.
देन मेरे पास वो स्विस ब्यूटी का है, लैक्यू ब्यूटी का है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एसेंस, यस एसेंस का. एंड ये पीछे जो पड़ा हुआ है ये है लॉरियल का. सो यस, लॉरियल का है. सो आई वॉज प्लानिंग टू डू अ लिक्विड आई शेडो वाला वीडियो, इसलिए मैं इकट्ठे कर रही हूँ सारे लिक्विड आई शेडोज. सो दोज आर ऑल द आईब्रोज, आई लाइनर्स, काजल्स एंड माई लिक्विड आई शेडोज इन दिस ड्रॉर. दीज ड्रॉज आर वेरी हैंडी, मतलब सामान बड़े अच्छे से रख जाता है इसमें. ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू दिस वन, ये में मेरे सारे पाउडर्स और कुछ कुछ ब्रॉन्जर्स रखे हुए हैं. सो लूज पाउडर्स, कॉम्पैक्ट्स सब हैं यहाँ पर. सो ये मेरा कलर एसेंस का पाउडर, देन मेरा यूरोप गर्ल का पाउडर, ब्लू हेवन, ओलिविया कॉम्पैक्ट, मेबलिन जो कि पीछे रखा हुआ है, वाइट एक्चुअली तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसको ज़्यादा. मेरा वेट एंड वाइल्ड का आई थिंक ऊपर ही कहीं पड़ा हुआ है, मुझे पता नहीं. देन लूज़ पाउडर में मेरा कलर एसेंस का लूज़ पाउडर है ये, मेक बेनाए, ए डी एस, मीनाओ, यूरोप गर्ल. अच्छा ये रहा वेट एंड वाइल्ड का पाउडर, सो दैट्स इधर रख देते हैं, है ना. और ये है सफायर लूज पाउडर ब्लू हेवन का. देन ब्रॉन्जर्स है यहाँ पर, ये है एस एफ आर का ब्रॉन्जर. देन आ जाओ भाई, विविड बेक ब्रॉन्जर, आई थिंक ये बंद हो गया बट दिस इज एन अमेजिंग कलर. एंड ये भी ऐसे पास है, ये विविड बेक्ड ब्रॉन्जर है, आई थिंक ये गोल्डन डेज है, वो गोल्डन लाइट्स है. एंड दिस इज इक्स ब्यूटी ब्रॉन्जर, दैट्स इट. कुछ चीज़ें वहाँ पे भी रखी हुई हैं दूसरी वाली ड्रॉर में, तो इसलिए यहाँ पर नहीं है. सो दिस इज बेसिकली अ पाउडर ड्रॉर, ब्रॉन्जर तो मैंने ऐसी रख दिया उसमें. लास्ट इज समथिंग जहाँ पर मतलब ऐसे रैंडमली स्टफ रखा हुआ है, जैसे मेरा डोनट, सम शेड्स, something, these are eye patches that I got from Jyoti GS store. Again, उन्होंने मुझे भेजे थे, she's a darling. And some again cotton pads. So it random stuff है, क्योंकि नीचे usually हमारा हाथ पहुँचता नहीं है, so that's why. अब मूव ऑन करते हैं इस चेस्ट ऑफ ड्रॉर की तरफ, तो थोड़ा सा पास आ जाते हैं. एंड द फर्स्ट ड्रॉर इज मेसी बिकॉज ये लिपस्टिक ड्रॉर है एंड अक्सर निकलती और डलती रहती हैं इसमें. सो दीज आर ऑल द लिपस्टिक्स दैट आई हैव. सो कलर एसेंस की लिपस्टिक ब्लू हेवन, जैकलिन, मोर ब्लू हेवन, एंड देन पर्पल की लिपस्टिक्स, कुछ और ब्लू हेवन, हाफ एंड हाफ, लाइक ऑल द लिपस्टिक्स आर राइट हियर. अभी मैंने न्यूड लिपस्टिक का वीडियो किया था, तो सारी न्यूड लिपस्टिक्स इसके अंदर पड़ी हुई हैं. देन यहाँ पर शाई स्टाइल्स लिपस्टिक, कलर बार, मेबलिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, डैजलर. सो ऑल दीज लिपस्टिक्स गो राइट हियर. मैं ज़्यादा छेड़ती हूँ इस ड्रॉर को, कभी कभी अरेंज करती हूँ क्योंकि टाइम लगता है लिपस्टिक्स को अरेंज करने के लिए. सो दैट वॉज माई लिपस्टिक ड्रॉर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज माई आई शेडो ड्रॉर, एंड आई जस्ट शो यू मोर क्विकली. मैंने ये जो आई शेडोज हैं नाम के हिसाब से अरेंज किया हुआ है. सो बेसिकली ऑल द यू नो वंस दैट आई हैव फ्यू, लाइक लैक्मे हो गया, नायका हो गया, मेबलिन हो गया, मेकअप रेवोल्यूशन एसेंस, ऑल दीज गो राइट हियर. सो इसीलिए वेट एंड वाइल्ड के दो चार हैं, देन नायका का एक है, लैक्मे का एक है, यूरोप गर्ल का एक है, मिस क्लेयर का, जो एक एक सिंगल सिंगल पीसेस थे वो सारे के सारे यहाँ जाते हैं. देन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस सेक्शन इज ऑफ ऑल दी हिलरी रोडा आई शेडो पैलेट. सो हिलरी रोडा का ये छोटू वाला, हिलरी रोडा का फोन वाला, ये जो ऐसा दिखता है ऐसा वाला फोन वाला, एंड हिलरी रोडा का एक ये वाला आई शेडो पैलेट भी था. सो दिस वन हिलरी रोडा का ये वाला पैलेट, एनी 690, खुल जाओ, क्या हो गया. ओके सो दिस वन, ऑल ऑफ दीज गो हियर ऑन दिस साइड. देन जो है सेक्शन जो है वो है पूरे स्विस ब्यूटी के आई शेडो पैलेट्स का. सो दिस इज ऑल स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट. सो मेरा अल्टीमेट आई शेडो दिस वन, मूज आई शेडोज, लूज फॉइल पिगमेंट्स, वो सारे के सारे यहाँ जाते हैं. जो इसके पीछे वाले सेक्शन यानी कि ये वाला, यहाँ पर मेरे सारे सिवाना के आई शेडो और ब्लशर्स रखे हैं. सो चार पाँच हैं इसलिए पीछे टक इन किया हुआ है. ओके उसके बाद जो ये सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये पूरा एस एफ आर से भरा पड़ा है. सो दिस इज ऑल एस एफ आर आई शेडो पैलेट मिनी, ये वाला, ये वाला, तो ये सारे के सारे एस एफ आर के आई शेडोज हैं यहाँ से यहाँ तक, इनफैक्ट पूरा. एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस इज ऑल अबाउट हाईलाइटर्स. सो ये सारे के सारे हाईलाइटर्स हैं, मैट लुक हाईलाइटर विच आई एम ऑब्सेस्ड विद, इसलिए ऊपर पड़ा हुआ है. बहुत ही बढ़िया वाला हाईलाइटर है ये, लाइक लुक एट दैट, इट्स सच अ ब्यूटीफुल हाईलाइटर. एकदम अलग से फॉर्मूला, क्रीमी भी है, मैट भी है. सो दैट्स देयर. ये मॉडर्न रेनेसां का ड्यूब है, आई केप्ट इट बिकॉज मेरे को
ड्यूप कम वर्सेज ओरिजिनल करना था इसलिए रखा हुआ है. देन कुछ मिस गोल्ड के आई शेडो पैलेट, लाइक रैंडम आई शेडो इक्का दुक्का जो है वो सारे के सारे यहाँ रहते हैं. सारे के सारे हाइलाइटर्स मेरे यहीं पर पड़े रहते हैं क्योंकि आई हैव लाइक ऐसी टेंडेंसी कि मैं कुछ भी कहीं भी रखती हूँ. सो आई शेडो के साथ में मैंने हाइलाइटर्स रखे हुए हैं. तो जितने भी हाइलाइटर्स मेरे पास, मिस क्लेयर, हिलरी रोडा, मिस रोज, सिग्मा एंड देन एवरीथिंग इज जस्ट हियर ओनली. सो दैट्स माई हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर्स. ये यूरोप गर्ल का हो गया एंड देन स्विस ब्यूटी के ड्रॉप्स हो गए, सारा कुछ यहीं पर ही है. सो दिस इज माई आई शेडो कम आई हाइलाइटर वाली ड्रॉर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, फर्स्ट सेकेंड होगी, थर्ड ड्रॉर में देखें तो थर्ड ड्रॉर थोड़ी सी मेरी मैनेज्ड है, बट इसमें भी काफ़ी सारे आई शेडोज, ब्लशर्स, मेकअप फिक्सर्स हैं. सो इस सेक्शन पे अगर हम जाते हैं जिसमें आपको डर्मा कलर दिख रहा है, मेरा क्रायलाइन का डर्मा कलर जो मैंने अभी अभी खरीदा था. सो ये है यहाँ पर सबसे ऊपर. आई एम स्टिल ट्राइंग इट आउट, काफ़ी अच्छा है वैसे, एक ही दो बार ट्राई किया बट काफ़ी अच्छा है. एंड देन ये पूरा मेरा फाउंडेशन का सेक्शन हो गया. सो आई हैव ऑल माई ओलिविया फाउंडेशन, मेबलिन फिट मी, यूरोप गर्ल की फाउंडेशन, मेबलिन सुपर स्टे एंड देन वेट एंड वाइल्ड, यूरोप गर्ल अगेन. सो सारे के सारे फाउंडेशन और बीबी क्रीम इसी सेक्शन में रहते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ द ब्लश एंड ब्लश सेक्शन बेसिकली. तो यहाँ पर मेरे ब्लश कॉन्टोर्स हैं ये ऐसे पार के. आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इनकी. देन सम मोर हाइलाइटर्स हियर, हाफ एंड हाफ का ये वाला ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट इज अगेन ऑसम. आपको ऊपर चार शेड्स मिलते हैं ब्लशर्स के एंड देन बॉटम में आपको ब्लश टॉपर या फिर ब्लशर्स भी कह सकते हो, शिमरी वाले मिल जाते हैं. दे आर ऑसम, बहुत ही बढ़िया है. सो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा शेड आपका हाइलाइटर का जाएगा, इस तरीके के पैलेट्स आपके लिए बढ़िया रहेंगे. देन आई हैव ऑल माई ब्लशर्स, पीछे ऐसे फार का ब्लश पैलेट रखा हुआ है. आई हैव मेबलिन का ब्लश, आई हैव स्विस ब्यूटी, ऐसे फार, रिमेल, देन शुगर, वॉट एल्स आई हैव, मेबलिन का फिट मी विच इज डिसकंटिन्यूड. सो ऑल माई ब्लशर्स आर राइट हियर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस ड्रॉर आर माई मेकअप फिक्सर्स एंड माई आई लैशेज. सो यहाँ पर कुछ ब्रोकन पैलेट्स मेरे रखे हुए हैं, वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट एंड वेट एंड वाइल्ड का मेरा पर्लस एंड पिंक ब्लश जो कि वीडियो में ही टूटा था एक, एंड माई आई लैशेज. आई लव दीज आई लैशेज. ये हुडा ब्यूटी की लैशेज है, बहुत ही बढ़िया है. एक हुडा ब्यूटी की नहीं है, वो जेनरिक लैशेज हैं, फॉल्स मिंक लैशेज कह सकते हो आप उनको, एंड काफ़ी अच्छी है वो. सो यू कैन गेट देम ऑन कैप्सूल लैशेज प्रमोशन. ये वाला जो सेक्शन है पूरा का पूरा मेरा मेकअप फिक्सर्स का सेक्शन है. सो आई हैव ऑल माई मेकअप फिक्सर्स हियर, वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर वाटर एंड देन दिस वन, मार्स का, देन किस ब्यूटी, वेट एंड वाइल्ड, ब्लू हेवन, एन वाई बे, सारे के सारे यहाँ पर रखे हुए हैं, मैट लुक. एंड उसके पीछे जो आपको ये छोटू सा सेक्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ओके मैं ज़मीन पे बैठी हुई हूँ. सो उसके पीछे ये छोटा सा जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें मेरे बड़े बड़े आई शेडो पैलेट रखे हैं जो कहीं फिट नहीं होते. एंड जैसे कि मेरा ये आई मैजिक का पैलेट, यू कैन बी का पैलेट, ब्यूटी ग्लेस का प्रिफिक्स्ड पैलेट एंड देन आई मैजिक का एक और बड़ा वाला पैलेट, विरोनी का आई शेडो पैलेट जो कि जैकलिन हिल का पैलेट का काफ़ी दिख मिलता जुलता सा है, एंड देन माई ओ टू ओ के आई शेडो पैलेट. सो ऑल माई बिग आई शेडो पैलेट जो कि फिट नहीं हो पाते वो सारे के सारे यहाँ पर फिट हो जाते हैं अच्छे से. सो दैट्स दैट एंड बंद हो जाओ. ओके एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो अ मिसलेनियस वन बिकॉज एंड माई ज्वेलरी ड्रॉर ऑल्सो यू कैन से. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सबसे पहले इसी सेक्शन से बात करते हैं. सो यहाँ पर सारे मेरे हीटिंग टूल्स रखे हैं, मेरा आयरन, मेरा कर्लिंग रॉड, ब्लोअर, सो दैट्स देयर. देन एक ये बॉक्स ज्वेलरी का है जिसमें कुछ कुछ एथनिक वाली ज्वेलरी है. एंड उसके बाद इस सेक्शन पे अगर आप मूव करोगे, सो आई हैव दिस, ये एक्चुअली डुगू का कार होल्डर था, ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है इसमें वो कार आता है, उसका ढक्कन टूट गया तो मैंने उसमें अपनी ज्वेलरी स्टोर कर ली जो मैं एवरीडे बेसिस पे यूज़ करती हूँ या जल्दी एक्सेस हो जाता है इसमें, जब बस देखा और निकाल लिया. एंड उसके नीचे भी बहुत सारे बॉक्सेस भरे पड़े हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी ही ज्वेलरी है एज यू कैन सी. सो ये सिर्फ ज्वेलरी एंड यू नो मिसलेनियस आइटम्स एंड माई हीटिंग टूल्स के लिए, क्योंकि नीचे हम जनरली झुकते नहीं हैं एंड दैट्स
सो या दैट इज इट. जो एक सेक्शन मैंने अभी इस रूम का इसलिए नहीं दिखाया, वो थोड़ा सा क्लटर्ड अप था अभी इस वक्त. एंड आई एम प्लानिंग टू डू दिस रूम एंड मैं बहुत ही जल्दी अपना हाउस टूर भी करूँगी, बहुत ही जल्दी. आई मीन हो सकता है एक आध महीने में आ जाए, बिकॉज आई स्टिल हैव टू फिगर आउट स्टफ. घर नया है हमारा, अभी फर्नीचर वगैरह मतलब प्रॉपर कहते हैं ना, कबर्ड्स वगैरह उतनी है नहीं, सो चीज़ें बाहर ही पड़ी रहती हैं ज़्यादातर वक्त, तो इसीलिए. बट आई ट्राई टू मैनेज माई स्टफ सम हाउ. यूजली बाहर ही पड़ा रहता है, बट या दिस इज़ हाउ आई डू इट. आई कीप इट एंड दिस इज़ ऑल दैट आई हैव. आई नो मुझे बहुत सारे कॉमेंट आने वाले हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप है आपके पास, बट देन गाइज आई हैव टू डू इट. सो दैट्स माई जॉब, दैट्स माई अर्निंग, दैट्स माई वर्क. अब आप टीचर से बोलोगे कि उसके पास पेन क्यों ज़्यादा हैं, सो that's an irrelevant question, right? So that is it for this video. I hope you guys enjoyed it. Achha lage to like, share, comment and subscribe. Na achha lage to dislike kar dena, subscribe mat karna. Is tarah kya keh sakti hu main. And yeah, I will see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.